73% हो चुका है अपडेट। नाउ गाइस 100% होने के बाद ये कुछ ऐसी होम स्क्रीन आई है, काफी कमाल कमाल के इसमें जो है नए नए फीचर्स ऐड करें। तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस अंकित बिस्ट एंड यू वाचिंग माय चैनल गाइस। और आज दिखाऊंगा गाइस आपको Xiaomi Notebook Ultra में जो है विंडोज 11 का अपडेट आ गया, जो कि मुझे अभी अभी रिसीव्ड हुआ है। काफ़ी देर से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था और इसकी वीडियोस देख रहा था कि अपडेट कब रिसीव्ड होगा, लेकिन फाइनली मुझे रिसीव्ड हुआ था। अगर इसने अनबॉक्सिंग आपकी वीडियो नहीं देखी है अनबॉक्सिंग की, तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। रिव्यू की वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए इसको जो है अपडेट करते हैं बिना किसी देरी के, एंड देखते हैं क्या क्या है जो नए नए फीचर्स इसके अंदर आए हैं। तो गाइस कुछ एक्सेप्ट टर्म्स एंड पॉलिसीज है इसकी और डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो गाइस फाइनली 99% हो चुका है, अब वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1% और होने का। लास्ट का जो 1% होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और 100% भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ। देन अब देखेंगे रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो गाइस अब इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं इंस्टॉलिंग होने के बाद जो है उसके बाद शायद जो है रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉलिंग का वेट करते हैं 100%। गाइस फाइनली ये 100% इंस्टॉलिंग हो चुका है, और गाइस आपको बता दूं मैं इसने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया है अपडेट होने पे। अगर गाइस पहले मुझे पता होता तो इतना टाइम लगाएगा ये अपडेट होने पे, तो गाइस मैं जो है इसको ऑफिस टाइम पे ही अपने अपडेट पे लगा देता। नाउ फाइनली 100% इंस्टॉलिंग हो चुका है, अब देखते हैं कितना टाइम आएगा रीस्टार्ट करने में। देखिए गाइस और आ भी चुका है रीस्टार्ट करने का ऑप्शन। तो गाइस मैं एक बार इसको रीस्टार्ट में क्लिक कर देते हैं, इसको ये रीस्टार्ट पे करा मैंने और नाउ ये रीस्टार्ट होने लग गया है। और गाइस फाइनली इंटरफेस हम देखेंगे जब ये ऑन होगा, अभी तो ये बूट होने में भी काफ़ी टाइम लेगा गाइस, तो वेट करिए वीडियो के एंड तक। नाउ गाइस ये अपडेट्स 0% कंप्लीट अभी हुआ है और अपडेट होना शुरू होगा। अभी 100% होने में कितना टाइम लेगा गाइस ये मुझे कोई भी आइडिया नहीं है गाइस, अब मैं थोड़ा सा वेट ही कर सकता हूँ। वो काफ़ी जल्दी हो गया था और अब ये रीस्टार्ट हो रहा है, देखते हैं इंटरफेस कैसा आता है। यहाँ आ गया है Xiaomi का लोगो एंड दोबारा से 3% स्टार्ट हो गया है अपडेट होना। तो गाइस करते हैं वेट इसका भी, ये भी काफ़ी जल्दी हो रहा है मेरे हिसाब से। गाइस जो इंस्टॉल हो रहा था वो यही हो रहा था, तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है इसमें भी। 58% तो हो गया है गाइस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना टाइम ले लेगा अपडेट होने में, बट ठीक है, बस अपडेट होना चाहिए और स्मूथ चलना चाहिए। क्योंकि अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, डीग्रेड नहीं होना चाहिए कुछ भी परफॉर्मेंस में लेके किसी भी चीज़ में। तो गाइस एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कुछ महीने बाद, इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल शेयर करूँगा। तो अभी तो अपडेट ही हो रहा है गाइस, तो वेट कर लेते हैं अपडेट होने का। 73% हो चुका है अपडेट। नाउ गाइस 100% होने के बाद ये कुछ ऐसी होम स्क्रीन आई है, तो ना उसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये होता है। एक बार फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, हाँ फिंगरप्रिंट करके ये ओपन हो चुका है। और ये फ़ोटो मेरी है गाइस जो इस पर दिख रही है आपको, ये मेरी ही आईडी है इसमें लॉगिन हुई हुई, तो प्रोफाइल भी मेरी ही है ये। तो गाइस अभी पहले फर्स्ट टाइम जो बूट होने में काफ़ी टाइम लगता है ओपन होने में, तो गाइस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ओपन होने का। ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से दिख पाए। और अभी फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है तो गाइस टाइम तो लगना है, नहीं तो ये एक सेकंड भी नहीं लगाता ओपन होने में। इसमें SSD है तो गाइस ऑलरेडी जो है, और रैम भी इसमें अच्छी खासी है, 8 या 16 GB की इसमें रैम आती है जो कि सुपर फास्ट है। DDR5 रैम होती है इनके अंदर। तो गाइस फाइनली ओपन हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है गाइस। सबसे पहले नीचे से देख कर दिखाता हूँ मैं आपको, टॉगल्स कुछ इस टाइप के हैं, काफ़ी कमाल कमाल के इसमें जो है नए नए फीचर्स ऐड करे गए। पहले बात करता हूँ देखो गाइस इस टॉगल्स की,
गाइस ये देखिए कुछ इस टाइप का कैलेंडर आता है एंड अब मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे तो देखिए गाइस कैसे इंटरफेस आता है। देख लीजिए गाइस कितना प्यारा इंटरफेस आ रहा है इसमें। ये कुछ अपडेट्स हैं एंड अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में ये देखिए रिफ्रेश का बटन गाइस कैसे आ रहा है उस पर, कितना प्यारा लग रहा है ये। एंड परफॉर्मेंस मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूसेज के बाद पता चलेगा कि परफॉर्मेंस में डिग्रेड हुआ है कि अपग्रेड हुआ है। तो गाइस ये कुछ है इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स का, डेस्कटॉप पे दिखाऊँ आपको, सॉरी दिस पीसी पे दिखाऊँ तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको दिस पीसी पे दिख रहा होगा। देखिए कैसे जो है एकदम, मेरे पे तो गाइस मैं कुछ रखता नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरे को कुछ इतना काम पड़ता नहीं है। तो गाइस कुछ लोगो वगैरह ऐसे चेंज हुए हैं एंड कुछ इंटरफेस कुछ ऐसे चेंज हुए हैं एंड अब मैं एक बार इसकी सेटिंग पे जाता हूँ। तो गाइस ये मैंने सर्च खोल लिया, यहाँ पे सेटिंग्स क्लिक करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। वाओ गाइस देखिए पूरा लुक ही चेंज कर दिया है इसके अंदर से। इसमें गाइस वॉलपेपर्स भी आए होंगे नए, वो देखने पड़ेंगे गाइस मुझे बाद में।